देखो, इसमें इनिशियली दो मोशन हो रहे हैं। अगर सेंटर आप मास एम मान लें और रेडियस आपने आर दिया ही हुआ है, तो क्या कह रहे हैं, सॉलिड स्फीयर इज सेट इनटू द मोशन ऑन द रफ ओरिजेंटल सरफेस विद लीनियर वेलोसिटी वी। यानी कि आपको अगर केस ए ले लें तो क्या मिल रहा है, एम बी क्रॉस आर मिल रहा है। साथ में एक चीज़ और मिल रही है, एंड ए एंगुलर वी आर इन ए एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टा घूम रहा है। ये मास सीधा जा रहा है और रोटेशन उल्टा हो रहा है। बस काम बन गया आपका, उल्टा हो रहा है तो इतना घटा दीजिए भाई से आई ओमेगा। आई कितना है, सॉलिड है 2/4 एम आर स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा की जगह वी अपॉन आर। पहले केस में क्या है, स्टॉप रोटेटिंग, यानी कि घूम नहीं रहा है। घूम नहीं रहा है तो क्या होगा, एक लीनियर वेलोसिटी तो इसके पास होगी। तो आपने कहा सर हमारे पास एक लीनियर वेलोसिटी वी डैश, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटा क्या हो जाएगा इसका, सेंटर ऑफ मास का एम वी डैश इंटू आर। काम बन गया आपका, इसको इससे हटा दीजिए, ठीक है। और इससे आपका ये हट गया और मास से मास हट गया, और ये बचा वी माइनस 2/5 वी बराबर वी डैश, जो फाइंड आउट करना था। 5 LCM ले लिए, 5 में से 2 गए, 3/5 वी वी डैश पहला आ गया आपका, ठीक। दूसरे के लिए क्या कहना है, दूसरे के लिए इनिशियल कंडीशन तो यही है कि सर हमारे पास एम बी था, सेंटर ऑफ मास चल रहा था, ये इधर था, तो कितना हो जाएगा, दो स्टेप में कर दें, माइनस आई ओमेगा इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, स्लिपिंग फाइनली सी इज ऑफ प्योर रोलिंग कर रहा है, यानी कि आई ओमेगा डैश एंगुलर मोमेंटम ये आपका हो गया। प्लस इधर तो सेंटर ऑफ मास तो चले गई भाई, एम बी डैश इंटू आर। बस काम बन गया आपका, एम बी क्रॉस आर माइनस सॉलिड है 2/3 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह नहीं भी दिया होता तो भी हम बी अपान आर ले लेते हैं। यहाँ पे आए 2/3 एम आर स्क्वायर वी डैश अपान आर प्लस एम बी डैश इंटू आर। बस काम बन गया बेटा, इससे ये उड़ा लीजिए तो पूरे आर कैंसिल हो गए आपके, साथ में एम भी कैंसिल कर लीजिए सारे। अब बचा बी माइनस 2/5 बी इधर बटा 2/3 बी डैश प्लस वी डैश। अरे भैया स्फेरिकल नहीं है, सॉलिड है, घटा दीजिए 3/5 भी इधर जोड़ दिया है, 5 2 7/5 बी डैश। क्या निकालना था, बी डैश निकालना था, इसलिए बी डैश बराबर 3/7 बी।